व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक अनदर वीडियो गाइज। अगर से आप गूगल पे यूज करते हैं तो आपको अप टू 1000 की अर्निंग होने वाली है अनलिमिटेड सभी अकाउंट पे। मैं नहीं मानता। अगर से आपको 1000 की अर्निंग नहीं होती है तो मिनिमम 500 से 700 तक तो आराम से हो जाएगी, मिनिमम बता रहा हूँ। तो जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो इसको अनलिमिटेड कैसे लूटना है वीडियो को लास्ट तक देखना, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको गूगल पे को ओपन करना है, ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको इस पे क्लिक करना है, ऑफर्स वाले पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। वैसे भी ये सब भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें भी आपको अर्निंग हो जाएगी, बट मैं इसका काउंट नहीं किया हूं मैंने। तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाला देख सकते हैं, आप रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे अप टू 500 इसमें मिल जाएगा, और 25 रुपीज जोमेटो पे करेंगे उस पर 25 रुपीज मिलेगा। इसमें अप टू वाला सिस्टम नहीं है, 25 रुपीज फ्लैट मिलेगा आपको। और यहाँ पे स्विगी पे है, जेप्टो पे है, और ये 200 ईएमआई लोन वाला है, इसको स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 50 रुपीज कैशबैक मिलेगा पोस्ट पेड मोबाइल रिचार्ज पे। और इसके बाद एलपीजी सिलेंडर आप बुक करते हैं 500 इसमें मिलेगा, और यहाँ पे फ्लैट 200 कैशबैक मिलेगा कोई भी रिचार्ज करने पे। यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं अर्न फ्लैट 200 व्हेन यू डू कार्ड ट्रांजैक्शन मिनिमम 200 ऑन गूगल पे बिफोर 29 मार्च। तो ये 29 मार्च लिखा है, वैसे आप जब भी न्यू ईमेल आईडी से आप क्रिएट करेंगे तो इसका डेट और आगे का दिखाएगा आपको। तो ये वाला मैंने इसको क्लेम कर लिया है। इसको आपको कैसे क्लेम करना है मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। आपको ऐड कार्ड पे क्लिक करना है, ऐड कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड कार्ड पे क्लिक करेंगे, फिर से इस पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा बफरिंग लेगा। बफरिंग लेने के बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, एंटर डिटेल मैनुअली इस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे वीज़ा कार्ड ऐड करना है, वीज़ा कार्ड डेबिट कार्ड भी चलेगा और क्रेडिट कार्ड भी चलेगा। तो मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ प्रोसेस इसका कैसे करना होगा। फिर आपको बैक आ जाना है, कोई भी बिल आप पे करेंगे वीजा डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से। सपोज मैं आपको ये वाला दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 553 रुपए का पे किया हुआ है और इसलिए आपको मैं दिखा नहीं सकता फिलहाल। यहाँ पे देख सकते हैं योर बिल अप टू डेट दिखा रहा है, नो बिल ड्यू दिखा रहा है इसमें। तो आपको करना क्या होगा, जब बिल जनरेट हो जाएगी, सपोज आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर एलपीजी सिलेंडर बिल का पे करेंगे तो आपको वीज़ा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करना है, तभी आपको 200 फ्लैट कैशबैक मिल जाएगा। तो आप फिर से नीचे चलते हैं, और भी यहाँ पे ऑफर है नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं 200, और ये सब तो बेकार ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको फर्स्ट मोबाइल रिचार्ज पे 10 से 51 रुपये के बीच में मिल सकता है। मुझे यहाँ पे 13 रुपये मिला था, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। और यहाँ पे ये सब तो फालतू ही, हम लोगों का यूज़ का कोई काम का नहीं होता है ये सब। अगर से आप इसको भी यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको कैशबैक मिल सकता है। तो अगर से आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ। मैं आपको एक बार इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे। यहाँ पे देखते हैं जो मैंने आपको दिखाया था ना मोबाइल रिचार्ज वाला, उसमें मुझे 13 रुपये मिला था, अप टू 51 रुपीज़ लिखा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मैंने बिल पे किया था 553 रुपये का, मैंने बिल पे किया था, 200 फ्लैट कैशबैक मुझे मिल गया था। और एक ऑफर मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट वाला ये वाला, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं आपको रुपए क्रेडिट कार्ड से मर्चेंट पे करना होगा 150 रुपये मिनिमम, तब आपको अप टू 500 रुपये कैशबैक मिलेगा। तो ये वाला मैं आपको क्लेम करके दिखाता हूँ लाइव। बिल्कुल मैंने क्यूआर कोड पे क्लिक किया, अब क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया गाइस। अब यहाँ पे मैं 500 डाल दे रहा हूँ। अब मुझे रुपए क्रेडिट कार्ड से पे करना होगा, तो स्क्रीन ब्लैंक हो गई होगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। यहाँ पे मैं अपनी पिन डाल दे रहा हूँ, पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। अब यहाँ पे आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ कितना मुझे कैशबैक मिला। इस पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं इसको स्क्रैच करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं गाइस 21 रुपीज़ इसमें मिला है, अप टू 500 लिखा था बट 21 रुपीज़ मुझे ही मिला। और इसको अनलिमिटेड कैसे लूटना है गाइस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, बैक आ जाना है और गूगल पे राइट लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसका क्लियर डेटा कर देना है, मैं इसका क्लियर डेटा कर दे रहा हूँ। इसका मैंने क्लियर डेटा कर दिया, फिर से ओपन करना है। अब आपको डिफरेंट ईमेल आईडी से ओपन करना है। यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल दिया, नंबर डालने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, आपके पास जितनी भी ईमेल आईडी होगी। अगर से आपके पास ईमेल आईडी ज़्यादा नहीं है तो आप क्रिएट कर लेना। क्रिएट करने के बाद आपको एक न्यू ईमेल आईडी को ओपन करना है, जिससे सपोज मैं दूसरी ईमेल आईडी को ओपन कर ले रहा हूँ, ये सपोज मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे ओटीपी आएगी, मोबाइल नंबर आपका वही रहेगा, बस आपको ईमेल आईडी चेंज करना है। एक अकाउंट से आप सारा ऑफर लूटने के बाद आप ईमेल आईडी स्विच कर सकते हो,
और उसमें भी सारा ऑफर वही सेम दिखाएगा, तो आप सभी में आप लूट सकते हो। मिनिमम आपको 500 तो अर्निंग हो ही जाएगी एकदम आराम से। अभी ये लॉगिन हो जा रहा है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं नॉट नाउ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये बैंक अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए बोल रहा था, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, ऑफर वाले सेक्शन पे फिर से आ जाते हैं। फिर से आने के बाद यहाँ पे गाइस देख सकते हैं सेम पूरा ऑफर गाइस वही वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा ऑफर वही वाला है। यहाँ पे 200 इसमें भी है वही वाला, सारा ए टू जेड सारा ऑफर वही है गाइस। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।